में सबका स्वागत है। जो बच्चे इस बार 2023 में बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए ये स्पेशल क्लास है। इस क्लास को अवश्य फॉलो करें ताकि मैथ संबंधी कुछ जो समस्याएं होगी उसको मैं समाधान कर सकूं। मेरा हरदम प्रयास रहेगा कि समस्या को दूर कर दूं, इसलिए आप लोग सभी अधिक संख्या में जुड़े। प्रत्येक दिन रात के 10 बजे से ये मेरा मैथ का क्लास शुरू होता है, जिसमें मैं समस्या लेकर आता हूं और उसका समाधान भी करता हूं। क्लियर? हाँ बच्चों, एक बार ध्यान दें, यदि मेरे इस ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो मैं इस वीडियो को YouTube पर भी डाल देता हूं ताकि बच्चे इसे सुने और लाभ उठाएं। वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि ये नोटिफिकेशन आप तक फास्ट में और तेजी से आप पर पहुँच सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सभी जुड़े। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। और एक क्लास है मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया हूँ। एक क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, फाइंड अदर त्रिकोणमिति रेशियो ऑफ एंगल ई। क्लियर? सॉल्व कर देता हूँ इसको, बारीकी समझे। सब प्रथम लिख देता हूँ बोर्ड पे, गिवन दैट क्या है, गिवन दैट tan theta is equal to root 3, क्या है root 3, या इसको हम लिख सकते हैं root 3 by 1। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan theta is equal to root 3, या इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री बाई वन। बच्चों तो सर्वप्रथम एक फिगर बनाते हैं, वो फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल। चूंकि ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल पर ही इसको लिया गया है। इसको आप यू बता सकते हैं, क्या है ये ट्रायंगल हो गया। क्लियर? ये हो गया ए, यही एंगल थीटा है। क्या ये एंगल थीटा है? क्लियर? थीटा हो गया, ये सामने वाला एंगल क्या होता है, वो साइड होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये 90 डिग्री ए एंगल है। ये सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, जो एसी है वो होगा हाइपोटेनस आई मीन कर्ण, और जो 50-20 बच गया बी ए। ठीक है, चलिए पाइथागोरस को यूज करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्लियर? क्या लिखे है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम, क्या फाइंड करना है, क्या क्या दिया हुआ है। ये बाबू हो गया आपका लंब बट्टा आधार यानी पी बट्टा बी। ठीक है ना, तो पी हो गया रूट थ्री। इस फिगर में देखिए ट्रायंगल में पी कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, तो बी सी हो गया। तो बी सी का वैल्यू हो गया आपका, बीसी का वैल्यू हो गया रूट थ्री। क्या होगा ये, इसका रूट थ्री लिख देते हैं यहाँ पर, और आधार हो गया बी ए यानी ए बी, इसका वैल्यू हो गया वन। क्या हुआ, वन हो गया। अब इस आधार पर हम इसको ए सी फाइंड करना पड़ेगा,
तो एसी, एसी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद है किसी को कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर पल आर स्क्वायर, क्लियर, यानी यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्या हुआ ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर याद कर लीजिए फॉर्मूला, याद रहेगा तभी जाकर बन पाएगा, अंधा नहीं बनेगा। कह रहा है कि ए सी, ए सी मतलब क्या है, हाइपोटेनस है, तो यानी कर्ण है, तो कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर प्लस बी ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं ए बी और बी सी का, देखिए स्क्रीन पे ए सी इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर ए बी सी, बी सी में कितना हो गया रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब वन, वन का स्क्वायर, क्या हुआ ये वन का स्क्वायर, ठीक है। और उसको सॉल्व कीजिए, जैसे लिख रहे हैं उसे लिखिए, यदि कोई समस्या हो आप मेरे से चैटिंग करें और चैट के द्वारा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये समस्याएं हो रही है, ठीक है ना, ये डरने की बात नहीं है, बेहिचक चैट करके आप बात कर सकते हैं, या नहीं तो माइक मेरा ओपन है, आप माइक से भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रूट थ्री का होल स्क्वायर कैसे होगा, रूट थ्री का स्क्वायर है यानी रूट थ्री का स्क्वायर यानी थ्री हो गया प्लस हो गया कितना हो गया इजकल टू तीन एक चार आ गया, कितना आ गया फोर, इजकल टू फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू होता है, तो टू आ गया, ठीक है। आपको ए सी का वैल्यू कितना गया टू आ गया, कितना गया टू आ गया, क्लियर, आपका ए सी वैल्यू कितना गया टू आ गया, यानी ये ए सी जो हुआ इसका वैल्यू हो गया टू, कितना आ गया टू आ गया, तो ये टू हमने यहाँ पर ए सी का बैठा दिए, ए बी हमको दिया हुआ है वन और ए सी दिया बी सी दिया हुआ है रूट थ्री, ठीक है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के तीनों साइड का वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, अन्य त्रिकोणमिति, क्या फाइंड करना है अन्य त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति रेशियो जो है वो आपको हम फाइंड करना है, सेक और कोसेक, ये हमको पांचों का वैल्यू फाइंड करना है। साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या था लंब बटा कर्ण, यानी बी सी बटा BC बटा AC, कितना हो गया BC का वैल्यू रूट थ्री है तो रूट थ्री बटा टू हो गया, ठीक है। दूसरा है cos थीटा, cos थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, क्या है AB बटा AC हो गया, क्या A बटा AC हो गया, ठीक है। इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है वन, वन बटा कितना हो गया टू, ठीक है। और साइन कॉस टेन का वैल्यू दिया हुआ है ही, मालूम मालूम दिया हुआ ही है, वही कॉट क्या हुआ कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी ए बी बटे, फॉर्मूला याद होना आवश्यक है, ए बी बटे बी सी इजकल टू क्या हो गया आपका हो गया वन बाय रूट थ्री, वन बटा रूट थ्री, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हम आपको ये रिजल्ट मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया आपको, ये आपको मालूम हो गया साइन थीटा, क्या हुआ ये साइन थीटा है और इस साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है रूट थ्री बाय टू, ठीक है। फिर आ गया कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना आया वन बाई टू, कितना आ गया वन बाई टू, फिर कितना आ गया वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, ठीक है। इस प्रकार से हम साइन कॉस और वैल्यू प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। अब बस गया दो और, सेक और कॉस है सेक थीटा,
बराबर क्या होता है, सिक्का होता है किसका होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार यानी ए सी बटा ए बी इजकल टू क्या हो गया 2/1, 2/1 इजकल टू 2, क्या हुआ ये 2 हो गया, ठीक है, यानी शक्ति का वैल्यू 2 आ गया। अब है कौशिक, क्या है कौशिक, कौशिक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी ए सी बाई बी सी कितना हो गया 2/a और बी सी कितना हो गया √3 हो गया, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, 2/√3 कितना आ गया, याद रहेगा sec थीटा का वैल्यू हो गया 2 और cos थीटा का वैल्यू हो गया 2/√3। इस प्रकार हम टी रेशियो का वैल्यू हम प्राप्त कर लिए, किसका वैल्यू आ गया टी रेशियो मतलब मिस क्या हो गया ना साइन cos tan cot sec और cosec, ये 6 है, 6 का मालूम हो गया, ठीक है बच्चों। यदि कोई वीडियो में कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और इसको मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ तक दूर हो उसको दूर करूंगा, ठीक है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल जो YouTube है उसको सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं, इसका कोई है जब तक तब तक ये आपका एग्जाम नहीं हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं।